भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा पांच दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे, जहां पर जगदलपुर के पार्टी ऑफिस में उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार करार दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संभाग में विकास कार्य रुक गए हैं, आम लोग कांग्रेस की सरकार को चुनकर पछता रहे हैं। आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संभाग की सभी सीटों में जीत दर्ज करेगी। इस दौरान शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। सुकमा के चिंतलनार में 600 क्विंटल चावल गायब होने की घटना का जिक्र भी किया। और देश प्रदेश की और खासकर बस्तर संभाग की जनता को भी ये बात अच्छे ढंग से ज्ञात हो गई है कि 2018 में उन्होंने कांग्रेस को चुन करके गलती की है, उनके मन में पछतावा है, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग में विकास के काम रुके हैं।